हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर माँ पार्वती इलेक्ट्रिकल्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप सभी लोगों को GMFR वायर के बारे में बताऊंगा। इस वायर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो आइए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए हम आपको बताते हैं, ये है GMFR वायर। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये कितने mm से शुरू होता है और कितने mm तक घर में यूज़ होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा है 0.75 SQMM। 0.75 से शुरू होता है ये। इसके बाद आता है अपना 1 mm, फिर आता है 1.5 mm, फिर एक आता है ये 2.5 mm, और एक ये आता है अपना 4 mm, इसके बाद एक और आता है 6 mm। रेगुलर ज़्यादातर घरों में 4 mm तक ही यूज़ होता है, 6 mm का बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो अब मैं आपको इस वायर की खूबियाँ बताऊँगा कि क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं, क्या क्या इस वायर की सारी डिस्क्रिप्शन बताता जाऊँगा मैं एक एक करके आपको। ये देखिए, यहाँ पर GM का लोगो दिया हुआ है, GMFR PVC इंसुलेटेड इंडस्ट्रियल केबल्स फ्लेम रिटार्डेंट 1100 वोल्ट। ये 1100 वोल्ट पर वायर बनाया गया है। सेफ गार्ड योर वर्ल्ड। और ये मैं आपको सारे बाकी की चीज़ें और दिखाता जाऊँगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे सारा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 0.75, 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm, 6 mm, ये यहाँ पे दिया गया नंबर डाया ऑफ वायर, कितने किस एम में कितने वायरों का यूज़ किया गया है। 0.75 में है 24/0.2, तो इसमें 1 mm में है 14, 1.5 mm में है 22, 2.5 mm में 36, 4 mm में 56, 6 mm में 684। इसमें जो कलर अवेलेबल हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से कलर अवेलेबल होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन फॉर अर्थिंग। और ये जो बंडल का जो साइज़ में निकलता है वायर, ये 90 मीटर का वायर निकलता है इसमें, 90 मीटर वायर निकलता है इसमें। फायर रेजिस्टेंट वायर है ये, काफ़ी अच्छा वायर बनाया है कंपनी के थ्रू। इसका जो इंसुलेशन है वो भी बहुत अच्छा इंसुलेशन दिया गया है इसमें, जल्दी वायर ख़राब भी नहीं होगा आपका। मैंने भी काफ़ी यूज़ किया इस वायर को। चलिए अब हम इस बॉक्स को ओपन कर देखते हैं इसमें किस तरह का वायर की पैकिंग कैसे आती है कंपनी, और साथ में इसमें क्या क्या देता है। वैसे इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब ये जाता है घरों पर इलेक्ट्रीशियंस को, यहाँ से ये बने हुए ये जगह पे, यहाँ पे इसको हटा कर यहाँ से वो लोग वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट यहाँ से वायर निकाल लेंगे तो वायर बिध जाता है आपस में, इसलिए उसको यहाँ से ही निकाला जाता है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसलिए यहाँ से खोल कर दिखा रहा हूँ कि वायर पूरा यहाँ से निकल आएगा अपने हाथ में, पूरा बंडल 90 मीटर का जो बंडल आता है ये रहा। ये देखिए, ये कंपनी की तरफ से इसमें कूपन निकलता है इलेक्ट्रीशियन के लिए, 10 पॉइंट का कूपन रहता है, ये वो जाके शॉप पे देंगे तो उनको 10 रुपये मिल जाएंगे इसके बदले, 10 पॉइंट के कूपन पे। काफ़ी अच्छा कूपन लग रहा है, डॉलर की तरह दिख रहा है देखने में। ये मैं रखता हूँ साइड में, ये रही पैकिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये ब्रांडिंग, कंपनी ने पूरे अपना ब्रांडिंग की है। ये लिखा है GM केबल्स FR 2.5 SQM 1100 वोल्ट, और ये पैकिंग उसमें धागे लगे हुए हैं, इसमें पैक पूरा बंधा हुआ है। ये रहा इसका, मैं पहले भी आपको सबसे पहले इसको छील के देखता हूँ मैं। तो अब ये देखिए, पहले ये देखिए आप कितना इसका जो इंसुलेटर है, जो बाहर का PVC यूज़ किया गया है, काफ़ी मोटा PVC यूज़ किया गया है इसमें। इसके अंदर ये है कॉपर वायर, अब मैं छील के दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए ये नंबर ऑफ वायर्स है, देख सकते हैं आप लोग। क्वालिटी इसकी आप अगर चेक करना चाहें कि इसमें जो कॉपर यूज़ हुआ है वो 100% कॉपर है या नहीं, कंपनी दावा करती है इसमें 100% कॉपर है, 99.97 एप्रोक्सीमेटली पूरा 100% ही माना जाएगा उसको कॉपर यूज़ किया गया है। तो आप इसको अगर वायर को जो इसका इसमें कॉपर यूज़ किया गया उसको अगर आप ऐसे पकड़ के थोड़ा इस तरह से करेंगे, साइड में थोड़ा मूवमेंट करेंगे वायर का इस तरह से, तो अगर इसमें कॉपर ओरिजिनल कॉपर यूज़ नहीं हुआ होगा तो ये कट टूट जाएगा, झर जाएगा नीचे, देखिए जहाँ के तहाँ आइए। ठीक है, अब मैं अब आपको इसका फायर जो इसमें दिया गया है FR वायर जिसको ये बोला जाता है इसको FR वायर, तो अब मैं इसको जलाकर भी आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, जलता है या नहीं जलता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इसको, इसका FR टेस्ट करते हैं ये FR है या नहीं है। ये देखिए जैसा कि मैंने इसमें माचिस से तीली जला कर इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग देखिए दोस्तों इसमें जैसे ही माचिस की तीली जो है बुझी, आग ही इसने नहीं पकड़ी है, जहाँ जैसा था वैसा ही है ये अभी इसका पूरी तरह से इसका जो PVC है वो भी पूरी तरह से नहीं हट पाई है। अब एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, एक और तीली जलाकर इसी पर, और जगहों पे आपने देखा होगा अगर तो वो लोग ऐसे ऐसे करके जला के दिखाएंगे आपको इस तरह से थोड़ा दूर से कि देखिए वायर नहीं जल रहा है। मैं आपको सीधा उसमें ही लगा के दिखाता हूँ अंदर, पता तो चले आखिर ये FR जो बोला गया FR है या नहीं। ये देखिए फ्लेम नहीं बढ़ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, इसमें आगे नहीं लग रही है, तो ये इसकी क्वालिटी है। ये देखिए अभी भी पूरी तरह से PVC नहीं जली है इसकी, ये इसकी क्वालिटी है, इसको कहते हैं FR वायर। इससे अच्छा आपके घर के लिए और कोई वायर नहीं हो सकता है, बेस्ट क्वालिटी वायर की है, बेस्ट क्वालिटी इसकी PVC की है, बेस्ट क्वालिटी ये है इसमें जो कॉपर यूज़ की गई है। तो जैसा आपने दोस्तों देखा मैंने इसको पूरी तरह से आपको जला के भी दिखाया, तो अभी मैं इसको जैसा है वैसा ही पैक कर देता हूँ फिर से। ठीक है, और मैं अब आपको इसके बारे में, इसको मैं रखता हूँ पहले साइड में, बाद में पैक करूँगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कंपनी और कौन कौन किस किस तरह के वायर्स में बनाती है। ये देखिए देखिए जो हम लोगों ने बताया था अभी FR वायर मल्टी स्टैंडर्ड वायर है, ये इसकी क्वालिटी पॉइंट MM के थ्रू पॉइंट दिए गए इसके, और ये टेलीफोन वायर भी बनाती है, इधर आपका ये इंडस्ट्रियल मल्टी कोर राउंड वायर बनाती है, फिर आप नीचे आ जाएंगे ये आपके एल्यूमिनियम वायर बनाती है केबल, और ये लास्ट में आप ये देख सकते हैं समरसेबल ये केबल हैं जो यूज़ होती हैं समरसेबल मोटर वगैरह के लिए, ये वो भी बनाती है कंपनी। तो अगर दोस्तों आप GM FR वायर लेना चाहते हैं अपने घर की सुरक्षा के लिए, लाइफ लॉन्ग वायर का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो हमें कॉन्टेक्ट करिए। हमारा पता है माँ पार्वती इलेक्ट्रिकल्स, न्यू पटेल नगर, थड़ी सुरेंद्र के पीछे, उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन। बाकी की इसके बारे में जो भी और डिस्क्रिप्शंस होंगे मैं वो डिटेल्स वगैरह सारी डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।